औद्योगिक नगरी पीथमपुर में एक बार फिर राजनीति गरमा गई है। मकान मालिक और किराएदार के बीच की मारपीट ने राजनीतिक रंग ले लिया है। किराएदार और मकान मालिक का झगड़ा इतना बढ़ गया कि कांग्रेस और भाजपा के नेता आमने सामने हो गए। पुलिस ने दोनों पक्षों की बात सुनी और किराएदार और मालिक के खिलाफ कृषि मुकदमा कायम करके मामले को किसी तरह शांत किया। दरअसल पूरा मामला कुछ यूं है कि पीथमपुर की छत्रछाया कॉलोनी में कमल गुज्जर नामक व्यक्ति का मकान है, जिसे किराए पर रेखा सोनी नामक महिला को दिया हुआ है। मकान मालिक कमल गुज्जर और किराएदार रेखा सोनी दोनों ही पक्ष थाने पर पहुंच गए, एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे। मारपीट का दोनों लोगों के अपने अपने तर्क थे। मकान मालिक गुज्जर का कहना है कि मेरे द्वारा मकान खाली करने का कहा गया तो मुझ पर झूठा आरोप लगाकर मेरे खिलाफ थाने पर शिकायत दर्ज कराने पहुंच गई रेखा सोनी, जबकि मेरे द्वारा कोई मारपीट नहीं की गई है और उल्टा इनके द्वारा मुझसे मारपीट की गई है। वहीं किराएदार रेखा सोनी का कहना है कि कमल गुर्जर मकान खाली करने का कहकर गया था, उसके बाद उसने उसके गुंडों को शराब पिलाकर भेजा और हमारे साथ मारपीट की है। मकान खाली करने का कहा है जबकि हमारे द्वारा किराया दे दिया गया है। कोरोना जैसी बीमारी के चलते अब हम ऐसी स्थिति में कहां जाएं। वहीं दूसरी ओर भाजपा कांग्रेस के नेता इस मामले में आमने सामने आ गए। मकान मालिक भारतीय जनता पार्टी समर्थक हैं तो वहीं दूसरी ओर किराएदार कांग्रेस पार्टी समर्थक हैं। दोनों पार्टी के नेता थाने पर पहुंच गए व एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा कायम करवाने में लगे रहे। मामले की गंभीरता को समझते हुए थाना प्रभारी चंद्रमान सिंह चढ़ार ने दोनों पक्षों की बात सुनी। मकान मालिक और किराएदार दोनों पक्षों पर कृषि मुकदमा कायम कर दिया, किसी तरह पूरा मामला शांत किया। वहीं मौके पर पहुंचे दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर जमकर आरोप भी लगाए। वहीं थाने पर पहुंचे शहर कांग्रेस अध्यक्ष पिंटू जायसवाल ने बताया कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है जंगल राज शुरू हो गया है। वहीं भाजपा के विधायक प्रतिनिधि अमृत जैन ने कहा कि मैं राजनीति के हिसाब से नहीं आया था, बात सही और गलत की थी। भारतीय न्यूज के लिए पीथमपुर से कामिल मेहर की रिपोर्ट। शाम के गई थे, शाम के गया मकान मालिक मेरे से बोला कि कमरा खाली कर देना, पहले मेरे आदमी से करके आया, फिर मेरे घर आया, बोला कमरा खाली अभी करना, तत्काल बिल्कुल कर देना। मैं बोली सर मैं तो तत्काल कमरा कहाँ से ढूंढ पाऊंगी, मेरे को दो रोज का समय दे दो, मैं कमरा खाली कर दूंगी, आपके दिन कहे कर दूंगी खाली मैं, और अभी बोलो तो अभी मैं कमरा नहीं ढूंढ सकती, मेरे को कमरा भी कोई ना देगा या कोरोना के वजह से है। बोले नहीं तू अभी तत्काल कर, इतना कह के वो चला गया। फिर वापस आया है 6-7 के बीच में, दारू पी के 7-8 आदमी आए थे है, तो मेरे साथ मारा या झीका झपटी, बोले कि तू कमरा खाली अब ना करना ठीक है। या गुज्जर आया, मकान मालिक कमल गुज्जर आया है, मेरा रेखा सोनी नाम है भाई, तो ये अपने किराए से रहते हैं, वहाँ पर क्या सारे किराएदारों को परेशान कर रखा है, और 6 महीने से किराया नहीं दे रहे मेरे को। मैंने कहा ठीक है लॉकडाउन ख़त्म हो जाए उसके बाद में आप खाली कर दीजिए, बोले मैं हम खाली नहीं करेंगे। नीचे जो किराएदार है उनको सबको परेशान करा, उनको ऊपर शिफ्ट करा, मैंने मत मगजमारी करो इनसे। बोलता बोले भैया किराया अगर आपने मांगा तो मेरी लेडीज़ को खड़ी करूँगा मैं और आपको फंसवा दूँगा। पहले भी 2-3 लोगों को बोले सुन लेना आप, बोले उनको फंसवाया, बोले हमने ये काम है, बाकी आपसे बने वो कर लो, मैं खाली नहीं करूँगा। उनका कहना है कि वो किराया पूरा दे चुके हैं, उसके बाद भी आपने जाती दे, उनके पास रसीद होगी, किराया अगर दिया होगा तो रसीद होगा। लॉकडाउन में किसी से पैसे कोई लिए ही कहाँ से पैसे। और वो पूर्णतया निराधार है, वस्तुता कमल गुजर के यहाँ किराए से रहती है। कमल गुजर का बिल्डिंग मटेरियल्स का भी काम है, कमल गुजर का बिल्डिंग मटेरियल का सामान बाहर रखा था इन्होंने। कमल गुजर के यहाँ किराए से रहते हुए भी कमल गुजर के खिलाफ CM हेल्पलाइन में शिकायत कर दी, और ये CM हेल्पलाइन की शिकायत करने की आदत न अपराधी है, पहले भी धीरेन्द्र जी रघुवंशी के खिलाफ CM हेल्पलाइन में शिकायत कर चुकी है, सट्टा चलाती है, सट्टे का थाने में केस दर्ज है, और भी बहुत सारे 2-3 केस थाने में दर्ज है, आदत न अपराधी है और इस प्रकार की हरकतें करती है। उनका कांग्रेस का राजनीति करना अलग बात है, मैं राजनीति में विश्वास नहीं करता हूँ, जो सच है उसके साथ खड़ा रहता हूँ। नहीं मेरे कार्यकर्ता के साथ अगर कोई भी गलत करेगा, और वो अगर अकेला आता तो मैं नहीं आता, कांग्रेस के नेताओं के साथ आया, इसलिए मुझे यहाँ पे आना पड़ा। आपका नाम? अमृत जैन, पूर्व सांसद प्रतिनिधि नगरपालिका पीथमपुर। मामला बताने के लिए बताऊंगा, जिस प्रकार उम्मीद थी कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार आएगी और फिर जंगल राज आएगा, उसका कल जीता जागता मामला आया है पीथमपुर के अंदर। मकान मालिक द्वारा किराएदार को 3-3 बार निर्ममता से मारा गया, पीटा गया,
कई 100 डायल वगैरह करने के बाद पुलिस द्वारा यहाँ पर कंप्लेंट दर्ज की गई। मेरा कहना है कि अगर पुलिस थाने के सामने अपराधी आके फरियादी को मार रहा है, पुलिस का रवैया क्या होना चाहिए वो बिल्कुल कुछ नहीं। महिला बता रही कि मेरी इज्जत लूटने की कोशिश करी, उस मामले पर कोई बयान दर्ज नहीं। पूरी तरह मामला भारतीय जनता पार्टी के प्रेशर में छोटा मुकदमा बनाया गया है। मैं पीड़ितों के साथ यहाँ पर आया हुआ हूँ और थाना प्रभारी जी से निवेदन किया है कि इस मामले को सत्यतापूर्वक आप जांच करें और इस महिला के साथ जो उत्पीड़न हुआ उसे उसका इंसाफ दिलाएं। और जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने कल से यहाँ पर आकर उद्दंडता मचाई, प्रेशर बनाया, प्रभाव जमाया और आज तक थाने पर जमा होकर आरोपियों को बचाने की कोशिश करी, ये पूरी तरह मध्य प्रदेश में जंगल राज का संकेत देता है। और मैं मकान मालिक में मारपीट का आरोप लगाया गया था, इसमें क्या है, कमल गुजर मकान मालिक है और सत्येंद्र सोनी उसका किराएदार है, इनमें आपस में मकान मालिक की शिकायत कर दी होगी नगर पालिका में जिससे उसका नुकसान हो गया, इस बात पे कल कुछ विवाद हुआ सत्येंद्र सोनी और कमल गुजर का, तो दोनों जो है थाने पे पार्टियां आई और रिपोर्ट लिखाई, दोनों की अपराध पंजीबद्ध कर दिया गया। जो सत्येंद्र सोनी के द्वारा आरोप लगाया गया उस पर अपराध पंजीबद्ध कर विधिवत कर दिया गया और कमल गुजर की तरफ से भी अपराध दर्ज हुआ है। अब इसमें उसकी महिला का भी बताया उल्लेख किया गया है, बाद में सत्येंद्र सोनी और ये जो बाद में ये बात कहने लगे कि हमारी महिला के पत्नी के साथ कुछ मारपीट किया, छेड़छाड़ किया, उस पर भी अभी अनुसंधान किया जा रहा है कि अगर सही बात है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। फरियादी पक्ष को पुराने भी आरोप दर्ज है थाने में, फरियादी पक्ष जो सत्येंद्र सोनी है ये काफी शिकायती प्रकृति का है, इस पर सट्टे के अपराध हैं, बगदून में भी मारपीट का अपराध है और मुझे लगता है कि ये कुछ एविडेंस और ज्यादा क्रिएट करके महिला को आगे करके आरोपी बनवाना चाहता है कमल गुजर या अन्य लोगों को, तो इस पर निष्पक्षता से कार्रवाई की जाएगी। नाम थाना प्रभारी चंद्रवांशिक चड़ार। और पीथमपुर की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है, भारतीय जनता पार्टी के नेता और कांग्रेस के नेता आमने सामने हो गए हैं। मामला कुछ यूं था कि एक किराएदार महिला के साथ मकान मालिक ने मारपीट कर दी, मामला थाने पर पहुंचा, दोनों ही पार्टी के कांग्रेस के नेता और बीजेपी के नेता आमने सामने हो गए। थाना प्रभारी ने दोनों का मामला शॉर्ट आउट करते हुए दोनों तरफा मुकदमा कायम कर दिया और मामले को किसी तरह शांत किया। भारतीय न्यूज के लिए कामिल मेहर पीथमपुर। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।